मटन हमारा देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो चुका है और ये गल भी चुका है, बहुत शानदार कलर आया है। एक बारी मैं जैसे बना रही हूँ आप एक बारी ट्राई करके देखिए, हमें अक्सर लगता है मटन बनाए कैसे बनाए हम, तो मैं सबसे आसान तरीका बता रही हूँ आपको मटन बनाने का, बहुत बढ़िया बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाउल लिया है, तो यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्ची को लंबा काट लिया था, एक प्याज, लहसुन, अदरक, इसको मैंने सबको मैंने कद्दूकस कर रखा है, पीसा नहीं है सिर्फ कद्दूकस कर रखा है इनको बारीक बारीक। तो हम सभी को इसमें डाल लेंगे बाउल में। तो इसमें कुछ मैं मसाले डाल रही हूँ, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्ची 1.5 चम्मच लाल मिर्ची डालूंगी इसमें मैं, इसमें कलर भी आ जाएगा लाल मिर्ची में। और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, और इसमें डाल रही हूँ मैं तेल, ये फॉर्च्यून रिफाइंड में, आप चाहें तो सरसों का तेल डालो तो गरम करके डालना। तो यहाँ पर जो मैंने मटन ले रखा है 1/2 किलो मटन है मेरा, तो हम इसको मटन को इसमें मसाले में डालेंगे और इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मटन में हमारा सारा मसाला अंदर तक जाए और इसका फ्लेवर उतना बढ़िया निकल के आएगा। इसको अच्छे से 2-3 मिनट के लिए आपने मसलना है हाथ से, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और चाहें तो आप ग्लव्स पहन लेना, क्योंकि मसाला जो है लगता है हाथ में बाद में। तो देखिए मुझे ना 2 मिनट हो गए इसको मसलते मसलते, और मैं इसको जो है ना 1/2 घंटे के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अभी बना ले लीजिएगा, मैं इसको 1/2 घंटे के बाद बनाऊँगी। अच्छा कुछ मैं मसाले बता रही हूँ आपको, 1 चम्मच जीरा, लाल मिर्ची, 1 खड़ी दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची, 1 चम्मच जीरा और ये कुछ जावित्री, और ये हमने 2 तेज़पत्ता लिए हैं, ये हमारे मसाले हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया था तेल, और ये 1 प्याज ली थी मैंने, लगभग मैंने 1/2 किलो मटन में 250 ग्राम प्याज ली थी। पहले हम सबसे पहले तेल गर्म हो चुका था तो हमने डाल दिए इसमें मसाले, मसाले को हम कुछ सेकंड तक भूनेंगे ताकि अच्छी से उसमें खुशबू नहीं आ जाती। तो साथ में मैं डाल दूंगी ये प्याज, ये मैंने 250 ग्राम प्याज ले रखी थी, 1.5 प्याज को मैंने उसमें कद्दूकस कर रखा था, बाकी को मैंने काट के स्लाइस इस तरीके से कर लिया था। इसको हमें कुछ सेकंड के लिए भूनना है, प्याज को सॉफ्ट करना है हमने, ब्राउन नहीं करना। तो देखिए प्याज जो है ना हमारी हल्की हल्की सॉफ्ट होने लगी है। अब इसमें मैं डाल दूंगी मटन जो हमने मैरिनेट करके रख रखा था। मैरिनेट से पता है क्या होता है, मटन में चिकन बनाओ या मटन बनाओ उसमें एक अलग सा टेस्ट आता है। तो इसीलिए मैं कोई कोई जब भी मटन बनाती हूँ या चिकन बनाती हूँ ज़्यादातर मैं जो है मैरिनेट करके रखती हूँ उसको। तो इसको हमें जो है ना भूनना है 6 से 7 मिनट तक अच्छे से, जबकि तेल में एक जो है अलग सा मटन में फ्लेवर नहीं आ जाता। तो इसको हमें अच्छे से लगातार भूनना है और गैस को हम मीडियम कर देंगे, और बीच बीच में आप 1-2 बारी इसको चेक करते रहना। मैं इसको ढक रही हूँ फिर मैं भून रही हूँ, तो भूनते भूनते लगभग मेरे को इसको 6 से 7 मिनट हो चुके थे। और देखिए मटन का जो कलर है कितना बढ़िया निकल के आ गया है, जितना आप मटन को भूनोगे उतना बढ़िया कलर आएगा इसका, और बनेगा भी बहुत टेस्टी। तो मैंने क्या किया, पानी मैंने गरम करने के लिए रख दिया, पानी हमने इसमें गरम डालना है, ठंडा पानी हमने नहीं डालना। तो मैं यहाँ पर अपने
मटन के हिसाब से पानी डालूंगी इसमें, तो मेरा आधा किलो मटन है तो मैं उसी हिसाब से डालूंगी इसमें पानी। और आप ध्यान से पानी डालिएगा क्योंकि कुकर में ज़्यादातर पानी जलता नहीं है, तो आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हो उस तरीके से ग्रेवी रखना। तो इसमें मैं क्या करूँगी, 5 सीटी लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पर जो है ना 5 सीटियाँ लगा चुकी थी और कुकर का प्रेशर भी निकल चुका है। आप इसको जो है जब गैस बंद करो तो निकालना मत सीटी गैस को, वरना जो है ना कलर थोड़ा फीका फीका सा हो जाता है। इसको रखे दे देना चाहिए, फिर उसके बाद जब हमारी पूरा गैस निकल जाए कुकर से तब इसको खोल के तब देखिएगा कलर इतना बढ़िया निकल के आता है इसमें। तो ये देखिए हमारा जो मटन का कलर कितना बढ़िया निकल के आया है। तो इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। चॉप किया हुआ धनिया, क्योंकि धनिया की खुशबू बहुत बढ़िया आती है मटन में या चिकन में। ऊपर से आप थोड़ा सा धनिया डाल दीजिएगा, अगर आप धनिया नहीं खाते तो आप रहने दीजिएगा। तो अब मैं उसको कुछ सेकंड के लिए रख दूंगी, उसके बाद मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। और मटन जो है हमारा गल भी चुका था, और मटन को आप अक्सर पूरा नहीं गलाएना क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसको ना कच्चा सा रहने देना, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है उससे, पूरा गला गला मटन अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए हमें जैसा मटन चाहिए था उस तरीके का मटन बना है, और कितना बढ़िया लग रहा है मटन हमारा। अगर आपको मेरी मटन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा मटन बन के। तो आप भी एक बार ही ट्राई कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए रुपेश की रसोई में। Bye. I can't wait to stop you.